दोस्तों, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया की एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने चांद यानी हमारे ब्यूटीफुल मून पर सबसे ज़्यादा बार मिशनों को लॉन्च किया है। नासा की स्थापना साल 1958 की 29 जुलाई को की गई। सबसे ज़्यादा बार मून मिशनों को लॉन्च करने की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर नासा का नाम फेमस है। साल 1968 से लेकर 1972 के बीच यूएसए ने अपोलो कार्यक्रम को लॉन्च किया था। उसके तहत अलग अलग ऐसे कई मिशनों को लॉन्च किया गया जिसमें अपोलो 8 की जिसे दिसंबर 1968 में ऑर्बिट में एंटर करने वाला फर्स्ट क्रू मिशन बना। इसके बाद मई 1969 में अपोलो 10 को लॉन्च किया गया। इनमें से 6 मिशन ने हमारे नेचुरल सैटेलाइट मून पर ह्यूमंस को लैंड करवाया। जुलाई 1969 में अपोलो 11 सब मिशन में से फेमस मिशन है जिसने सबसे पहले व्यक्ति को चांद पर उतारा, वह थे हमारे प्यारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बाद में अपोलो 13 को लैंड करने का प्लान बनाया, हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते इस मिशन को फ्लाईबाय तक सीमित कर दिया और क्रू मेंबर सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए। इस बार नासा ने मून पर भेजने वाले मिशन में आखिर देरी क्यों कर रहा है, इसी के बारे में जानेंगे इस वंडरफुल वीडियो में जिसका टाइटल है नासा मेगा मून रॉकेट मिशन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नासा के मेगा मून रॉकेट को उसके लॉन्चिंग पैड से हटाया गया। 2 सप्ताह में 3 फ्यूल टेस्ट में फेल होने के बाद अब इसे रिपेयरिंग के लिए भेजा गया। नासा का मानना है कि रॉकेट के लिए जून की लॉन्च विंडो मिलना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में पैड 39B में लाए जाने के 2 सप्ताह बाद तक स्पेस एजेंसी रॉकेट पर स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS के रूप में कई प्री लॉन्च टेस्ट कर रही है। नासा को उम्मीद थी कि वेट ड्रेस रिहर्सल कहते हैं उसे पूरा होने में करीबन 48 घंटे से भी कम समय लगेगा, लेकिन 2 सप्ताह और 3 टेस्ट होने के बाद एजेंसी ने 322 फीट यानी 98 मीटर लंबे रॉकेट को वापस उतारने का फैसला लिया है। आगामी आर्टेमिस मिशन 1 उड़ान के लिए वर्ल्ड के सबसे पावरफुल रॉकेट को तैयार करने के लिए ये वेट ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। एजेंसी ने कहा कि नासा ने रॉकेट में आई समस्याओं का पता कर लिया है, जैसे इसमें हीलियम चेक वाल्व में प्रॉब्लम आई थी और लिक्विड हाइड्रोजन सेक्शन में भी प्रॉब्लम आई थी। इन सारी समस्याओं में जल्दी ही सुधार लिया जाएगा। वॉशिंगटन में नासा स्पेस सेंटर में डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर टॉम हिटमेयर ने कहा, मेगा मून प्रोजेक्ट अब भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक चेक वाल्व की प्रॉब्लम थी, हमने ऑब्जर्व की है, हमें रॉकेट पर गर्व है, लेकिन हमें इस पर भी अभी थोड़ा काम और करना है। नासा के इंजीनियर्स को उम्मीद है 26 अप्रैल तक रॉकेट को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग के अंदर वापस ले आया जाएगा। यहां वे रॉकेट के हीलियम चेक वाल्व को बदल देंगे। इस काम के मई तक खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। इस रिपेयरिंग से नासा के इंजीनियर्स को असफल रहे वेट ड्रेस रिहर्सल के नतीजों की समीक्षा करने का समय भी मिल जाएगा। इस देरी के बाद यह पक्का नहीं है कि आर्टेमिस मिशन 1 कब लॉन्च होगा। अगले वेट ड्रेस रिहर्सल के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई, लेकिन अगर मई में रॉकेट रिपेयर होगा तो पॉसिबिलिटी है कि लॉन्च का अगला मौका जून हो। अनुमान है कि रॉकेट के लिफ्ट ऑफ को अगस्त तक का समय लग सकता है। नाकामियों के बावजूद नासा को भरोसा है कि 11 साल से ज्यादा का समय और $30 अरब की लागत वाला यह मेगा मून रॉकेट जल्द से जल्द तैयार होगा। अंतरिक्ष कितना विशाल और कई किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, ब्लैक होल और कई ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है। साइंटिस्ट आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट के जरिए ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और हमारी पृथ्वी से बाहर कहीं पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में खोजते रहते हैं। तो आप सब इनके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद।